आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के जानी दोस्त इन दिनों खफा दिख रहे हैं और इस खिलाफत की वजह साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल अफगानिस्तान पर काबिज करने के लिए तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से पूरी मदद की गई थी, लेकिन अब तालिबान अपने आका पर ही बम बरसाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी गुट तहरीक ए तालिबान पर एक्शन लेने से तालिबान ने साफ मना कर दिया है। इससे भड़के पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान की जमीन पर हवाई हमला किया। इन हमलों का कोई असर होता नहीं देख पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए अब अफगानिस्तान में नया खेल शुरू कर दिया है। इससे एक बार फिर से अफगानिस्तान जंग के रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। दरअसल पूरा मामला यहां से शुरू होता है जब तालिबान ने सत्ता में आने के बाद वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में शांति और एकजुटता लाएगा। हालांकि सत्ता में आने के 8 महीने बाद तालिबान का ये वादा झूठा साबित हो रहा है और देश में लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन राजनीतिक, आर्थिक और भूरणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि देश में जहां आए दिन भीषण धमाके हो रहे हैं, वहीं आम जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। 19 अप्रैल को काबुल में सुन्नी मस्जिद में हुए भीषण धमाके में कम से कम 50 लोग मारे गए। इसमें पहले गुरुवार को मजार शरीफ इलाके में शिया मुसलमानों पर बम हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए थे। बहरहाल इन हमलों के पीछे आतंकी गुट ISISI के साथ बताया जा रहा है, जिसमें तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग पर कर रखा है। तालिबान सरकार को न केवल ISI से के चुनौती मिल रही है, बल्कि अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व वाले नेशनल रजिस्ट्रेट फ्रंट से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, अफगानिस्तान इस्लामिक नेशनल एंड लिब्रेशन मूवमेंट के नाम से भी पिछले कुछ समय में नए गुट बने हैं। ये सभी या तो NRF की मदद से या फिर खुद तालिबान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। इन्हीं गुटों में अब लेफ्टिनेंट जनरल सामी सादात भी शामिल हुए हैं, जो अशरफ गनी सरकार में अफगान स्पेशल फोर्सेस के प्रमुख थे। ISISI के खिलाफ हक्कानी नेटवर्क एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके पास अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय है। इसी हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने पाल रखा है। इससे ISI के अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इससे विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। इन विरोधी गुटों के अलावा पाकिस्तान तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करते उसे सत्ता दिलाई है, लेकिन अब दोनों के बीच जंग जैसे हालात है। तालिबान TTP के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा और इससे पाकिस्तान खफा है। यही नहीं, सीमा रेखा डूरेंड लाइन को लेकर भी दोनों के बीच तनाव चल रहा है और इस तनातनी के बीच कब जंग का माहौल आ जाए ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।